वेलकम टू कार्ब अकाडमी। टुडे आई सॉल्व क्लास 8वीं का गणित प्रश्नावली 5.4 का प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ दिया जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या है, बहुत इजी है, इससे पहले वाले प्रश्न पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ये बोला है कि प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ दिया जाएगा, मतलब इसमें कितना जोड़ दिया जाएगा कि वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, मतलब जब इसका प्राप्त होगा उसका वर्गमूल भी बताना है। तो कितना इसमें जोड़ देंगे पूर्ण वर्ग हो जाएगा, आइए हम इसको बनाते हैं। बहुत ही ईजी है, आप ध्यान से बस देखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 5वां का पहला है 525। क्या है? 525 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर इसका हम वर्गमूल बताएंगे। सबको वर्गमूल निकालने आता है? 525 का वर्गमूल निकालेंगे। इधर से हम जोड़ा लगाते हैं, ये सिंगल बच गया, दो से करेंगे, दो दूनी के चार। अब ये यहाँ से घटाएंगे तो एक आएगा, और दो जोड़ देंगे ये चार हो जाएगा, ऊपर से दो और पाँच हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या रखें कि 125 हो जाए, या उससे कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दो रखेंगे तो हो जाएगा, तो दो दूनी के चार और चार दूनी का आठ, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा, पाँच में से चार जाएगा एक, और बारह में से आठ जाएगा, ये हो जाएगा चार, यानी ये आ गया 41। और आपको पता है कि यहाँ दो में से एक लिखा जाता है और यहाँ भी दो में से एक लिखा जाएगा, यानी हमारा शेषफल जो आया है 41 आया है। क्या आया है? 41 आया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ शेष जो आया है 41 है, यहाँ शेष जो है वो कितना है 41 है, शेष कितना है 41। तो अब एक बात बताओ, इसका जो आंसर आया है कितना है 22, ठीक है। तो 22 का जब हम स्क्वायर करेंगे, ये क्या बोला है, देखो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि हम, ठीक है, यहाँ पर जो 22 आया है इसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो 22 का जब वर्ग करेंगे तो क्या हमारा 525 से कम होगा या ज़्यादा। तो देखो शेषफल 41 अभी बचा हुआ है ना, यानी इसका हम वर्ग करेंगे तो इससे क्या होगा, कम ही होगा। तो लिखेंगे 22 का स्क्वायर छोटा होगा, ये किसका साइन है, छोटा का, और ये 525 क्या होगा, इससे बड़ा होगा। यदि हम इस संख्या का वर्ग करेंगे तो इस संख्या से, दी हुई संख्या से क्या होगा, ये छोटा ही होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इसको इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो कैसे, मतलब इसमें क्या जोड़ दें कि हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं ना, ये 22 हमारा मिला हुआ है, 22 का स्क्वायर, ठीक इसका अगला संख्या करेंगे, ठीक इसका अगला संख्या क्या मिलेगी, लिखेंगे अगली पूर्ण वर्ग संख्या, अगली पूर्ण वर्ग संख्या, अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, अगली पूर्ण वर्ग संख्या जो है क्या मिलेगी हमारा, 23 मिलेगा। तो जब 23 का स्क्वायर करेंगे तो पता है क्या आएगा, 23 का जब स्क्वायर करोगे तो होगा 529, याद है, वर्ग याद है तो सही है, नहीं तो आप निकाल लो 23 × 23 करके। तो 23 का जब वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 529। तो देखो अब हम क्या करेंगे कि हमारा इसमें बोला है ना कि क्या जोड़ दिया जाए, तो यदि हम ठीक इसके अगले पूर्ण वर्ग संख्या में से, मतलब इस संख्या में से इसको घटा देंगे, क्या करेंगे, इस संख्या में से इसको घटा देंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे अतः जोड़ी गई संख्या। अतः अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एक दो क्वेश्चन करते करते अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अतः जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई संख्या क्या हो जाएगी, ये जो हमारा 529 है ना अगली पूर्ण वर्ग संख्या, उसमें से ये जो हमारा 525 है
उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो क्या आएगा, चार। तो देखो यदि हम इस 529 में ये चार जोड़ देंगे ना, सॉरी 525 में ये चार जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग मूल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि 525 में यदि हम चार जोड़ देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि 529 का पूर्ण वर्ग संख्या 23 होता है, तो हमारा देखो 529 आ गया। ठीक है, अब आपका 529 आया है ना, इसका आपसे बोला गया है कि इसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, तो हम 529 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। तो लिखेंगे अतः 529 का वर्गमूल, 529 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 529 का 23 होगा, क्योंकि 23 दो में से एक लिख देंगे, हो जाएगा। तो 529 का वर्गमूल हो जाएगा 23 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के बातें समझ में आ रही होगी, बहुत ही ईजी है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है मेरे भाई, सही से बनाओ आ जाएगा। ठीक है, अब 1750 को आपको अच्छे से समझाएंगे और आप लोग को अच्छे समझ में भी आएगा कि क्या इसमें लॉजिक है इस क्वेश्चन में। ठीक है, 1750, तो सबसे पहले आप 1750 को वर्गमूल निकालो। ठीक है, 1750 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 1750 का वर्गमूल निकालने के लिए पहले जोड़ा लगाएंगे इधर से। तो क्या करेंगे, यहाँ से देखो, तो सबसे पहले हम चार से करेंगे, चार चौका 16 हो जाएगा, पेन मेरा ख़त्म हो गया है, कोई बात नहीं। अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको घटाएंगे तो एक आ जाएगा, चार चार आठ हो जाएगा, यहाँ देखो ऊपर से उतरेगा 5 0। ठीक है, ये कितना हो गया, 150 हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या रखें कि 150 हो जाए, चाहे उससे कम उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो एक रखेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि दो रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ये आ गया 81। तो ये दो चार में से एक चार लिख लेते हैं, और यहाँ दो एक में से एक एक लिख लेंगे, यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, ये घटाएंगे 10 में से एक जाएगा, ये 9, और ये 14 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा 6, यानी 69 आ गया। अब देखो क्या करेंगे, हमारा जो शेष आया है कितना आया है, 69 लिखेंगे। यहाँ जो शेष है वो क्या है, 69 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 41 आया है ना, जो 41 जब इसका वर्ग करेंगे, 41 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये 1750 से क्या होगा, छोटा होगा। क्यों क्यों छोटा पता लग गया, क्योंकि इसका शेषफल भी तो ही बचा हुआ है, तो इससे छोटा ही होगा 41 का जब वर्ग करेंगे तो। ठीक है, तो 41 तो मिल गया, तो इसका अगली पूर्ण वर्ग संख्या निकाल दें, यानी 41 है ना, इसका 42 के लिए हम पूर्ण वर्ग संख्या निकालेंगे, क्या होगा, लिखेंगे अगली पूर्ण वर्ग संख्या, अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 41 है ना, तो इस बार 42 का निकालेंगे। तो 42 का जब जब 42 का वर्ग करेंगे, 42 गुना 42, 42 को 42 से गुना करोगे तो क्या होगा, आप रफ में जाकर गुना कर सकते हो कि 42 गुना 42, क्योंकि वर्ग निकालने के लिए उसको दो से गुना कर देते हैं, ये 84, 4 दुनिया 8, 4 चौका 16, ये 4 4 4 8 8 16, 6 1 7, और 1 1764, कितना आएगा, 1764 आएगा, कितना आ गया, 1764। तो देखो हमारा आ गया 1764, अगली इसका पूर्ण वर्ग संख्या। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, पता चल जाएगा कि हमारे क्या जोड़ेंगे, तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो लिखेंगे अतः जोड़ी गई संख्या, यहीं तो पूछा है कि क्या जोड़ दे, तो लिखेंगे जोड़ी गई संख्या। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, फर्स्ट बार में नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब आ रहा होगा। जोड़ी गई संख्या क्या करेंगे, इसका अगली पूर्ण वर्ग संख्या में से 1764 में से ये वाला संख्या 1750 को क्या कर देंगे, माइनस। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा कितना जाएगा, 1764 में से 1750 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 1750 यानी 14 आ जाएगा, कितना आएगा, 14। तो 14 इसमें जोड़ देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो लिखेंगे 1750 प्लस 14, इसको जोड़ेंगे तो कितना, 1750 और 14 जोड़ेंगे 1764 हो जाएगा, 1764 हो जाएगा। अब 1764 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा, 42 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः
1764 का वर्गमूल। कितना इजी है, समझ रहे हो ना, बहुत इजी है, बस आप लोग को एक बार समझ में आना चाहिए। 42 है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सबको क्वेश्चन समझ में आया, किसी कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यह है आपका 252। क्या है? 252 है, तो 252 है तो लिखेंगे 252, और यहाँ पर पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे 252 का, ठीक है। 252 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, एक से करेंगे एक, वर्गमूल तो सबको आता है ना अच्छे से, इतना सारा पढ़ा दिया अब तो आना चाहिए। एक एक दो हो गया, ऊपर से 5 2 उतरेगा, अब यहाँ 152 लाना है, कितना से कर देते हो जाएगा, तो 5 से करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 6 से ज़्यादा हो जाएगा, 50 25, 5 2 10 2 12, ठीक है। अब यदि हम 6 से करते तो ज़्यादा हो जाता, तो यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से हमारा 27 आ जाएगा, क्या 27 आ जाएगा, ठीक है। और 2 5 में से 1 5 लिख लेंगे, ठीक है। अब चलो, अब हमें तो पता चल गया 15 का जब स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो इससे क्या होगा, कम ही होगा, कम ही होगा ना, तो चलो लिखते हैं, हमारा शेष आया 27, यहाँ जो आया है उसको लिख देंगे, यहाँ शेष 27 है, ठीक है। इसलिए हम 15 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 252 से छोटा होगा, जब 15 आया है तो ठीक इसकी अगली पूर्णांक संख्या का क्या करेंगे, वर्ग, अगली पूर्ण वर्ग संख्या, अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 16, तो 16 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16 का जब स्क्वायर करेंगे 256 होगा, कितना होगा 256, तो इसे लिखेंगे 256। अब 256 में से 252 को घटाएंगे तो हमारी जो संख्या आएगी उसी को जोड़ देंगे, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो लिखेंगे अतः, हाँ एक बात और, ये जो हमारा 16 आया 256, तो हमने तो निकाल लिया अगली संख्या, तो हाँ सही कह रहे थे यार, अब सब तो कर ही लिए हैं, बस यही लिखना बाकी है कि अतः जोड़ी गई संख्या क्या करेंगे, जो हमारा आया है ना अगली पूर्ण वर्ग संख्या 256, उसमें से पहले वाली संख्या क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या आएगा 4 आएगा, क्या आएगा 4 आएगा, तो यदि हम 4 जोड़ देंगे 252 में तो हो जाएगा, तो 252 अब प्लस 4, ये आ गया 256। अब 256 का जब वर्गमूल निकालोगे क्या होगा, 16 होगा, तो लिखेंगे अतः अतः 256 का वर्गमूल, 256 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब 4 नंबर देखो क्या है, 4 नंबर है 1825, 1825 है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, आप लोग बना सकते हो, या नहीं बनेगा तो चलो हम बना ही देते हैं, नहीं तो कहोगे सर छोड़ दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखो क्या है, 1825 है, 1825 का हम पहले पूर्ण वर्ग निकाले, वर्गमूल निकालेंगे, ये 4 से जाएगा, 4 चौका 16, और यहाँ से 2, ये 225, 4 4 8, अब इसमें क्या रखें कि मतलब पूरा पूरा आ जाए, नहीं तो उससे कम है, तो 3 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 ही रखते हैं, 2 2 के 4, 8 2 16, यहाँ से घटाएंगे तो 4 में से 1, और ये 4 और 11 हो गया, 6 5 11 हो जाएगा, कितना आएगा, 6, ये तो 12 था ना, 6 12, हाँ 12 हो जाएगा, तो 6 आएगा, ठीक है। अरे 2 4 में से 1 4, 2 2 में से 1 2, यानी इसका शेष कितना आया, लिखेंगे यहाँ शेष, शेष कितना है, 61 है, और इसका जब हम वर्ग करेंगे, 42 का जब वर्ग करेंगे, ये जो होगा 42 का जब वर्ग करेंगे तो ये शेषफल बच रहा है, तो इससे क्या होगा, 1825 से छोटा ही होगा, ठीक है। तो 42 का अगली हम पूर्ण वर्ग संख्या निकालेंगे, अगली पूर्ण वर्ग संख्या,
अगली पूर्ण संख्या क्या होगी, 42 के 43। तो जब 43 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 43 का वर्ग करेंगे तो हमारा 1849 आ जाएगा। कितना आएगा, 1849। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे जोड़ी जो गई संख्या आ जाएगी, अतः जोड़ी गई संख्या, यहाँ की लिखे हैं क्या यार, यहाँ की नहीं जोड़ी गई होता है, की नहीं होता, जोड़ी की संख्या नहीं, जोड़ी गई संख्या। क्या हो जाएगा, 1849 में से 1825 को घटा देंगे तो 25 दूनी 50 और ये आ जाएगा 24। ठीक है, 24 आ गया। तो अब हम 24 जोड़ देंगे 1825 में, तो 1825 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 1849 हो जाएगा। और 1849 का वर्गमूल कितना होगा, 43। तो लिखेंगे अतः 1849 का वर्गमूल, 1849 का वर्गमूल कितना होगा, ये होगा आपका 24 हो जाए, 43 है ना, 43 हो जाएगा, 43 होगा। ठीक है, देखो ये सिंपल है, कोई कठिन नहीं है, बस आपको अच्छे से बनाने आ जाना चाहिए एक बार, ठीक है ना। अब ले लो 64 12, 5 नंबर इसका, 64 12 को निकालना है। तो 64 12 को क्या करेंगे, पहले वर्गमूल निकालेंगे, इसको करेंगे 8 से करेंगे, 8 8 64, 8 बार में, और ये पूरा पूरा कट गया, और ये देखो 8 8 16। अब हम इसको उतारेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये देखो जा नहीं रहा है, नहीं जा रहा है ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 00 उतारते हैं। ठीक है, कितना 00, तो 00 उतारेंगे तो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये सब 0 को छोड़ करके हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, कि 0 से ही गुना कर दें, क्योंकि हमें पता है कि यदि यहाँ 12 है, ठीक है, यदि यहाँ 12 है तो यहाँ पर 1 भी रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 से गुना कर देंगे, 0 को 0, 0 को 0, मतलब पूरा एक कर देगा 0, और घटाएंगे तो कितना जाएगा, 12, और यहाँ 2 0 में से 1 0 दे देंगे तो इतना हो जाएगा, तो यानी शेषफल हमारा 12 आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ शेषफल जो है वो कितना है, 12 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 80 आया ना, तो जब 80 का वर्ग करेंगे तो वो हमारा 6412 से छोटा ही होगा, तो हमें पता लग गया कि अगली कौन संख्या मिलेगी, तो लिखेंगे अगली अगली पूर्ण वर्ग संख्या, अगली पूर्ण वर्ग संख्या 80 है ना, 81 का जब वर्ग करेंगे तो 81 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 का स्क्वायर करेंगे तो 6561 हो जाएगा, 81 का जब करोगे तो 6561 होगा। अब इसमें से क्या करेंगे, उसको घटा देंगे, तो लिखेंगे अतः जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई संख्या क्या हो जाएगी, 6561 में से 6412 को घटाएंगे, कितना जाएगा, यह जाएगा 149। तो जब इसको हम क्या करेंगे, इसमें 6412 में 149 जोड़ देंगे, काम हो जाएगा, तो लिखेंगे 6412 प्लस 149 कितना मिलेगा, 6561, और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 81, तो लिखेंगे अतः 6561 का वर्गमूल क्या होगा, 81 होगा, 81 होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को 5 नंबर प्रश्न समझ में आया होगा, और ये बहुत ईजी है, बस एक बार समझ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन बना सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।